तो आइए एक प्रॉफिट लॉस का एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि कंप्लीटली एस बी आई पी ओ मेन्स लेवल है, है ना? और इसमें हम कुछ नया सीखेंगे इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि परसेंटेज और परसेंटेज पॉइंट्स में क्या डिफरेंस होता है ठीक है दो अलग अलग चीजें होती हैं एक होता है परसेंटेज और दूसरा होता है परसेंटेज पॉइंट्स उसका डिफरेंस यहां पर आपको सीखने को मिलेगा और इस टफ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें इजिली वो भी हम देखेंगे ये सवाल है इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ टेन मैंगोज इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ फोर्टीन मैंगोज discount टू वन थर्ड ऑफ द डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन टेन of ऑफ प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज वेन द percentage इज हाफ एंड द डिस्काउंट परसेंटेज इज डिक्रीज बाई फाइव परसेंटेज पॉइंट ठीक है तो ये क्वेश्चन हमें यहां पर दिया गया है ठीक तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले ये जो कंडीशन है कंडीशन ये है कि सेलिंग प्राइस ऑफ टेन मैंगोज इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ फोर्टीन मैंगोज ठीक है अब तीन तरह के प्राइस होते हैं एक होता है कॉस्ट प्राइस एक होता है मार्क प्राइस और तीसरा होता है सेलिंग प्राइस ठीक है सबसे पहले शॉपकीपर किसी आर्टिकल को खरीदता है तो उस कुछ कॉस्ट पे करता है दैट इज कॉल्ड सीपी अब जितने में वो खरीदता है उसके ऊपर मार्क करता है उसको राइट उस पर लेवल लगाता है दैट इज कॉल्ड मार्क प्राइस तो सीपी से एमपी जितना परसेंटेज इंक्रीज होगा दैट इज मार्कअप परसेंट फिर वो डिस्काउंट देता है कस्टमर आता है बोलता है कि कुछ डिस्काउंट चाहिए तो कुछ यहां पर डिक्रीज करता है तो जितना परसेंटेज यहां कम करेगा दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट परसेंटेज एंड सीपी से एसपी कितना ज्यादा या कम है दैट विल बी कॉल्ड प्रॉफिट और लॉस परसेंट सीपी के रेस्पेक्ट में एसपी कितना परसेंट ज्यादा या कम है दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज ठीक है तो हमसे बोला लेट से कि मैं एक आर्टिकल के लिए मान लेता हूं फॉर वन आर्टिकल एक आर्टिकल के लिए मैंने एज्यूम किया एक आर्टिकल के लिए सपोज कॉस्ट प्राइस है ए मार्क प्राइस है बी एंड सेलिंग प्राइस है सी दिस इज फॉर वन आर्टिकल ठीक तो मुझे बोला गया कि फोर्टीन मैंगोज का जो सेलिंग प्राइस है दैट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ टेन मैंगोज का जो सेलिंग प्राइस है दैट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ फोर्टीन मैंगो तो टेन मैंगोज का सेलिंग प्राइस कितना होगा टेन सी

ठीक है तो मैंने मान लिया कि सपोज ए की वैल्यू अगर दस है तो उस केस में सी की वैल्यू चौदह होगी ठीक है नाउ अब आगे दिया है विच इन टर्न मतलब ये जो चीज है ना ये जो प्राइस है ठीक है ये जो प्राइस है तो हमने क्या किया तो ये कितना हो जाएगा हम इसको टेन और फोर्टीन का एलसीएम मान सकते हैं लेट से वन फोर्टी यह मैंने कैसे एज्यूम किया टेन और फोर्टीन का एलसीएम सेवेंटी भी ले सकते हैं वन फोर्टी भी ले सकते हैं आप चाहें तो सेवनटी का कोई और मल्टीपल भी ले सकते हैं फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन हम सेवेंटी भी ले सकते हैं 140 भी ले सकते हैं अगर टेन सी की वैल्यू वन फोर्टी है तो सी की वैल्यू फोर्टीन हो गई और अगर फोर्टीन ए की वैल्यू वन फोर्टी है तो 14 से टाइम्स कट गया तो ए की वैल्यू टेन आ गई ठीक है तो ये जो 140 है दैट इन टर्न मतलब ये जो है सब्सिक्वेंटली किसके बराबर है ऑफ द डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन टेन मैंगोस तो इट इज वन थर्ड ऑफ द डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन टेन मैंगोस भाई एक मैंगो पर डिस्काउंट कितना होगा मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिस्काउंट क्या होता है एमपी माइनस एस पी तो बी माइनस फोर्टीन तो टेन पर कितना हो जाएगा टाइम्स बी माइनस अगर एक पर डिस्काउंट है बी माइनस डिस्काउंटीन तो टेन पर कितना हो जाएगा टेन टाइम्स बी माइनस फोर्टीन है ना बिकॉज एक का मार्क प्राइस है बी और एक का सेलिंग प्राइस है 14. तो एक पर डिस्काउंट हुआ बी माइनस फोर्टीन तो टेन पर डिस्काउंट कितना हो गया टेन टाइम्स ठीक है सो फ्रॉम दिस वी कैन से 42 टू फोर्टीन इंटू थ्री फोर्टी बराबर बी माइनस फोर्टीन हो गया तो b की वैल्यू फोर्टी टू प्लस 14, 56, का एक तरीके से रेशियो आ गया या कुछ वैल्यूज आ गई जो दी गई कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है ठीक है तो ये हमने यहां पर कैलकुलेशन इसको हटा देते हैं अब आगे बढ़ते हैं अब मुझसे बोला गया व्हाट इज द फिफ्टी सिक्स तो हुआ मतलब कितना चेंज हुआ फिफ्टी सिक्स माइनस टेन फोर्टी सिक्स का चेंज हुआ किस पर टेन पर तो फोर्टी सिक्स बाई टेन इंटू हंड्रेड यानी अभी जो मार्कअप परसेंट है वो फोर सिक्सटी परसेंट का है राइट कितना परसेंट है 460% मतलब आई कैन से कि दिस वैल्यू इज 460% मोर देन 10 ठीक तो अभी अगर मैं मार्कअप परसेंटेज को आधा कर दूं तो इसका आधा कितना होगा 230% राइट right? तो मतलब ये मेरा सीपी तो वही है और अगर मैंने मार्कअप परसेंट आधा कर दिया तो इसका 230% कितना हो गया 23 तो 10 प्लस 23 ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 33 डिस्काउंट परसेंटेज डिक्रीज by फाइव परसेंटेज पॉइंट आप मुझे बताइए कि यहां discount कितना है discount percentage निकालने के लिए simple मैं ये और, और अगर फोर इज टू वन है तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर तीन का डिस्काउंट है चार पर थ्री कम हुआ है फोर पर मतलब अभी जो डिस्काउंट है वो पिचहत्तर परसेंट सेवेंटी फाइव परसेंट राइट यानी कि यहां पर जो डिस्काउंट था वो कितना था सेवेंटी फाइव परसेंट था तो फाइव परसेंटेज पॉइंट से कम करने का मतलब क्या है कि मैं सीधे सीधे इसकी वैल्यू पांच कम कर दू मतलब सेवेंटी फाइव में मैं क्या कर दू सेवेंटी कर दू सीधे राइट right? जैसे कि अगर मैं हंड्रेड है लेट से मेरे पास टू हंड्रेड है या ना या सपोज के ट्वेंटी परसेंट है ये मान लो ट्वेंटी परसेंट है अगर मैं इसमें फाइव परसेंटेज पॉइंट की कमी करता हूं सो ये वैल्यू सीधे सीधे पंद्रह परसेंट हो जाएगी नो मैटर वॉट टोटल कितना भी हो फर्क नहीं पड़ता लेकिन बीस परसेंट है अब परसेंटेज वैल्यू पंद्रह हो गई लेकिन अगर मैं बीस परसेंट में पांच परसेंट कम करता तो बीस परसेंट का पांच परसेंट कितना होता है इसका दस परसेंट हुआ दो तो पांच परसेंट हुआ एक तो इसमें एक कम करके यहां उन्नीस परसेंट आता यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन परसेंटेज पॉइंट एंड परसेंटेज परसेंटेज पॉइंट में हम क्या करते हैं सीधे सीधे वैल्यू को रिड्यूस करते हैं और परसेंटेज में रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं इसका इतना परसेंट कैलकुलेट करके फिर कम करते हैं ठीक है तो ये एक मेजर डिफरेंस है परसेंटेज परसेंटेज और percentage points में ठीक है तो अगर मैं यहां पर 70 परसेंट कम करूंगा तो कितना बचेगा 30 परसेंट बचेगा भाई किसी भी चीज में से अगर 70 परसेंट कम कर देते हैं तो 30 परसेंट बचता है व्हाट इज 30 परसेंट ऑफ दिस नंबर इसका 10 परसेंट है 3.3 थर्टी परसेंट उसका तीन गुना मतलब 9 .9. तो मैं ये देख पा रहा हूं कि सीपी दस रुपए और एसपी नाइन पॉइंट नाइन है सीपी ज्यादा एसपी कम है ज्यादा में खरीदा कम में बेचा इज अ लॉस लॉस यहां पर है कितने का लॉस है भाई तो यहां पर लॉस है कितने का जीरो पॉइंट वन का लॉस है टेन पर जीरो पॉइंट वन इन डिवाइड बाई टेन इन टू हंड्रेड करेंगे दैट मीनस वन परसेंट लॉस इज देयर एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर तो होपफुली इस क्वेश्चन से आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे और ये मेंस लेवल क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा और परसेंटेज और परसेंटेज पॉइंट्स में डिफरेंस भी आपको समझ में आया होगा ऐसे ही और शॉर्ट वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए सुमित सर एकेडमी यूट्यूब चैनल को ओके थैंक यू सो मच